नमस्कार। न्यूज क्लिक में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। मैं अक्सर कहा करता हूं कि क्रिकेट हमारे देश का एक ऐसा धर्म या रिलीजन है जो इंडिया को यूनाइट करता है। इसमें कोई शक नहीं कि क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। जिस तरह से राजनीति पर हर नागरिक को ऐसा लगता है कि उनको टिप्पणी करने का जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक उसी तरह से क्रिकेट पर हिंदुस्तान में खिलाड़ी कम और कमेंटेटर्स या फिर एक्सपर्ट्स ज्यादा हैं। अब इंग्लैंड के विरुद्ध जो आने वाली श्रृंखला है उसी के बारे में देखिए। टीम अनाउंस होने के पहले लोगों ने तय कर लिया कि टेस्ट टीम का कैप्टन के तौर पर अजिंक्य रहाणे को बने रहना चाहिए या फिर विराट कोहली की वापसी होनी चाहिए। आपका भी शायद इस पे एक ओपिनियन है और अभी आप या तो सिलेक्टर से खुश होंगे या बेहद नाराज। मेरे को हिंदुस्तान के क्रिकेटिंग टीम्स और उनके फॉर्च्यून्स को ट्रैक करते हुए लगभग 50 साल हो गए हैं। उन दिनों शुरुआत के दिनों में पोर्टेबल ट्रांजिस्टर सेट हिंदुस्तान में बहुत कम थी। पूरे घर में विविध भारती से लेके क्रिकेट कमेंट्री और समाचार सब कुछ एक बड़े से रेडियो सेट में ही सुना जा सकता था। इंडिया की ब्रिस्बेन टेस्ट जीत, जिसके चलते हम लोग सीरीज भी जीत गए, इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस मोमेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री। परंतु यह जीत अचानक से नहीं हुई। इंडियन क्रिकेट जो एसेंडेंस है या फिर जो सुप्रीमेसी है आज के तारीख में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, एक लंबा हिस्ट्री है। तो मैंने सोचा कि चूंकि हम आजकल ज्यादा कंटेम्पररी इश्यूज में इन्वॉल्व रहते हैं, इस बार थोड़े से हिंदुस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के बारे में बात करें। जैसा कि काफी फील्ड्स में हुआ है, हिंदुस्तान में क्रिकेट का इंट्रोडक्शन भी ब्रिटिश या फिर अंग्रेजों ने किया। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में पहला क्रिकेट मैच 1721 में खेला गया। इट इज बिलीव्ड दैट दिस मैच वाज प्लेड बाय ब्रिटिश सेलर्स इन कैम्बे सिटी, जिसको अभी खंबात गुजरात में कहा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्रिकेट लेकिन कई दशक बाद शुरू हुआ। 1792 में जब तक दो दशक बीत गए थे, जब कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी की हेडक्वार्टर बन चुकी थी 1773 में, ब्रिटिश प्रवासी जो कलकत्ता में रहते थे उन्होंने हिंदुस्तान के पहले क्रिकेट क्लब, जिसका नाम कलकत्ता क्रिकेट क्लब क्लिपर्स, उस क्लब की स्थापना की। शुरुआत के दशकों में क्लब मेंबर्स हुगली नदी के किनारे जो खाली मैदान थे वहां पे खेलते थे। उसी पीरियड में कई और टीम्स का एग्जिस्टेंस और टूर्नामेंट्स का भी रेफरेंस हमको हिस्टोरिकल किताबों में मिलता है। 1841 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब क्लिपर्स को अपनी जमीन अलॉट हुई और 1864 में, यानी कि 1864 में ईडन गार्डन स्टेडियम का निर्माण होने लगा। कलकत्ता के एक जमींदार ने उस वक्त के गवर्नर जनरल को ये लैंड गिफ्ट की थी। क्रिकेट हाउएवर रिमेन्ड the domain of the British, and it was not until 1848
that the Parsi community in Bombay formed the Oriental Cricket Club. It was the first cricket club established by Indians. In 1877, the British invited the Parsis to play a match for the first time. From 1912, Parsis, Sikhs, Hindus, and even Muslims of Bombay began being invited to play a quadrangular tournament with the British. Earlier in 1888, Ranjit Singh Ji, Vibhaji Jadeja, popularly known as Ranji, and the Prince of Nawanagar, began playing cricket after taking admission in England to study law. He excelled, he did well, and was eventually picked up by the British to play for the English Test team. He made his debut against Australia at Manchester in July 1896 and played a total of 15 tests till 1902, when he stopped playing test cricket. On his test debut, he scored 62 and 154 not out. By the time he retired, he had scored a total of 989 runs with a healthy average of 44.95. K.S. Duleep Singh रंजीत सिंह के भतीजे थे और उन्होंने भी इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला। उनका टेस्ट डेब्यू जून 1929 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध हुआ। उन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच 1931 में न्यूजीलैंड में जाके खेला। उन्होंने 12 टेस्ट मैचेस खेले और 995 कुल रन उन्होंने बनाए, जिनमें से 3 शतक और 5 अर्ध शतक थे। His average was also exceedingly good at 58.52. 1926 में इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल ने इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलने के लिए आमंत्रित किया। जून 1932 में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर यह मैच खेला गया। मैच हिंदुस्तान 158 रन से हार गया, परंतु मोहम्मद निसार पेस बॉलिंग स्टार के तौर पर उभरे। इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेट्स चटका दिए, जिनमें से 3 बोल्ड थे और 2 कॉट आउट। होशियारपुर में जन्मे मोहम्मद निसार ने अपने करियर में 6 टेस्ट कुल खेले और 25 विकेट लिए। 3 बार वे 5 से ज्यादा विकेट एक इनिंग्स में लिए थे। मोहम्मद निसार हिंदुस्तानी क्रिकेट के पहले स्टार गेंदबाज थे। ही वॉज नोन फॉर शियर पेस एंड कुड स्विंग एंड कट द बॉल विद एक्सट्रीम विगर। His partnership with fellow pacer Amar Singh was as legendary as it was successful. Mohammad Nisar ka janam bhale hi Hindustan mein hua, unki mrityu parantu Pakistan mein Lahore mein hui. A testimony to how politics played havoc with the lives of people. 1932 mein bhale hi हिंदुस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, लेकिन इट वॉज नॉट अंटिल 1952 दैट वी वन आवर फर्स्ट एवर टेस्ट मैच। दिस वॉज अगेंस्ट इंग्लैंड एट मद्रास इन फेब्रुअरी 1952। इन दिस मैच इंग्लैंड टू गार्ड एंड शॉट आउट फॉर 266 रन्स। स्पिन के प्रख्यात बोलर वीनू मांकड़ ने 55 रन 55 रन्स देकर 8 विकेट लिए। जवाब में इंडिया ने 457 फॉर 9 पर डिक्लेयर किया। पंकज रॉय और पॉली उमरीगर ने सेंचुरीज लगाईं।
अपनी सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड की पारी सिर्फ 183 में सिमट गई और 8 रन से इनिंग्स डिफीट हुआ। दैट वॉज हाउ इंडिया वन इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट मैच। इंग्लैंड के सेकेंड इनिंग्स में विनू मंकड़ ने 4 विकेट्स लिए और उनके मैच फिगर्स थे 69.4 ओवर्स, 24 मेडन, 108 रन्स एंड 12 विकेट्स। 1952 में ही इंडिया ने अपना पहला टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के विरुद्ध 2-1 करके जीता। इंडिया का अगला गोल्डन मोमेंट 1968 में था जब न्यूजीलैंड में टीम ने अपना पहला सीरीज ऑन फॉरेन सॉइल को जीता। इस 3 टेस्ट सीरीज का स्कोरलाइन 2-1 था, दैट इन इंडियाज फेवर, और टीम के कैप्टन मंसूर अली खां पटौदी थे। दिस विक्ट्री वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द वेब ऑफ स्पिन वोवन बाय द इंडियन स्पिनर्स बापू नटकर्णी, एरापल्ली प्रसन्ना एंड बिशन सिंह बेदी। द नेक्स्ट गोल्डन मोमेंट्स वर द बैक टू बैक सीरीज विंस इन 1971 विद अजीत वाडेकर एज कैप्टन इन द वेस्ट इंडीज एंड इन इंग्लैंड। इंडिया एंड वेस्ट इंडीज प्लेड 5 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ विच 4 वेर ड्रॉन वाइल इंडिया वन टू क्लिंच द सीरीज 1-0। जिस टेस्ट को भारत ने पोर्ट ऑफ स्पेन में 7 विकेट से जीता उसके स्टार दिलीप सरदेसाई थे। उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी में शानदार सेंचुरी लगाई। सुनील गावस्कर का ये डेब्यू मैच था और उन्होंने 65 और 67 नॉट आउट स्कोर किया दोनों इनिंग्स में। द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड वॉज अ 3 टेस्ट मैच अफेयर एंड 2 ऑफ देम वर ड्रॉन। इंडियाज फर्स्ट विक्ट्री इन इंग्लैंड केम आफ्टर ऑलमोस्ट 40 इयर्स ऑफ प्लेइंग द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑन ब्रिटिश सॉइल। इंडिया कंसीडेड अ फर्स्ट इनिंग लीड of 71 runs in the final test but shot out the opponents for 101 runs in the second innings. The chief damager was India's freak spinner Bhagwat Chandrasekhar. 7th of April 1976 mein test match shuru hua fir se port of spain ke maidan mein. Us samay jab indian team maidan mein utri to deficit of 0-1 को वो स्टेयर इनटू कर रहे थे। वेस्ट इंडीज ने 359 रन मार लिए। विवियन रिचर्ड्स ने उसमें से 177 रन स्कोर किए। जवाब में हिंदुस्तान के टीम ने सिर्फ 228 रन बनाए। टू दिस डेफिसिट ऑफ 131 रन द वेस्ट इंडियन टीम एडेड अनदर 271 for the loss of 6 before declaring their innings. भारत के सामने 405 रन का एक बहुत विशाल टारगेट था, लेकिन इंडिया ने पूरे दुनिया को चौंका दिया और वो रन हासिल कर लिए। इंडिया ने हाईएस्ट एवर फोर्थ इनिंग्स चेज का रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया। ये रिकॉर्ड 27 साल तक 2003 तक रहा जब वेस्ट इंडीज ने अल्टीमेटली जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया और 418/7 बना के उस टेस्ट मैच को जीत लिया। सुनील गावस्कर ने 102 रन बनाकर भारतीय जीत की नींव रखी। गुंडप्पा विश्वनाथ ने 112 रन बनाए और मोहिंदर अमरनाथ ने 85/85 रन बनाए। ब्रिजेश पटेल और अंशुमन गायकवाड़ ने भी 49/28 रन बनाकर हिंदुस्तान को जीत की तरफ ले गए।
इंग्लैंड में 1983 का वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेटिंग हिस्ट्री का एक और मेजर लैंडमार्क था। 1983 के वर्ल्ड कप विक्ट्री के बारे में तो अभी भी काफी कुछ लिखा जाता रहता है। कहां जिम्बाब्वे के खिलाफ 17-5 थी इंडिया की टीम, और फिर फाइनल्स में तो चली ही गई और वेस्ट इंडीज को हरा दिया। हिंदुस्तान में बाय देन कलर टेलीविजन का प्रवेश हो गया था, नेटवर्क भी काफी फैल गया था, टीवी कई जगहों पे मौजूद था। द डिलीरियस सेलिब्रेशंस कंटिन्यूड वेल पास्ट मिडनाइट दैट नाइट। द वर्ल्ड कप विक्ट्री वाज द फर्स्ट टाइम दैट द इंडियन मीडियम पेसर्स स्वंग द गेम इंडियाज वे। इस लो स्कोरिंग फाइनल मैच में इंडिया 183 रन्स पर शॉर्ट आउट हो गई थी। बस ऐसा लगने लगा था कि अब तो मियर फॉर्मेलिटीज बची हैं, वेस्ट इंडीज तो वॉक ओवर कर जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। महेंद्र अमरनाथ और मदन लाल ने 3-3 विकेट्स लिए, बलविंदर सिंह संधु ने 2 और कैप्टन कपिल देव और रॉजर बिनी ने 1-1 विकेट लेकर पूरे वेस्ट इंडीज टीम को 140 पर ऑल आउट कर दिया और इंडिया वो मैच जीत गई। उसी के साथ वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के हाथ लग गया। इस टीम में सिर्फ एक स्पिनर थे, कीर्ति आजाद, और उन्होंने सिर्फ 3 ओवर डाले। ऐसा माना जाता है कि 1983 वर्ल्ड कप की जीत के बाद भारतीय क्रिकेट ने कभी पीछा नहीं देखा। स्पॉन्सर्स आए, नए खिलाड़ी बड़ी मात्रा में उभरने लगे, क्रिकेटर्स बिकेम रोल मॉडल्स एंड द गेम स्लोली वॉज ऑन वे टू बिकमिंग अ फेयरली प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। पिछले 20 सालों में इंडिया के टीम ने नए वॉटरशेड मोमेंट्स नॉच कर लिए हैं। कोलकाता में 2001 में वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के बीच की साझेदारी, साथ ही हरभजन सिंह की हैट्रिक उसी टेस्ट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्रिकेटिंग इंटरनेशनल एनल्स में एक तरह से हमेशा याद रखा जाता है। 2002 में नैटवेस्ट ट्रॉफी इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के बाद सौरव गांगुली का लॉर्ड्स के बालकनी में अपने कमीज को झंडे के तौर पर फहराने वाली इमेज किसको याद नहीं है। दिस विक्ट्री वाज आल्सो द रिजल्ट ऑफ अनदर रियर गार्ड एक्शन लेड बाय मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह एंड हरभजन सिंह। उसके बाद 2004 में पाकिस्तान में पहला सीरीज विक्ट्री, 2020 वर्ल्ड कप जीतना, इन अ वे दीज विक्ट्रीज एंड सेवरल अदर्स वेर इन प्रिपरेशन फॉर द 2011 वर्ल्ड कप एंड द 2013 चैंपियंस ट्रॉफी विक्ट्रीज। जीत के इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद हमको उन एपिसोड्स को भी याद करना चाहिए जिनको हम हार्टब्रेक मोमेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट मानते हैं। उनकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, परंतु हमेशा याद रखिए, घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। कुछ ही दिनों में नई चुनौती इंग्लैंड के टीम के तौर पर इंडियन क्रिकेटर्स फेस करेंगे, फिर से मैदान में उतरेंगे और भारतीय क्रिकेट का सिलसिला ऐसे ही आगे और चलता रहेगा। उम्मीद रहेगी कि दिस रिलीजन विल कंटिन्यू यूनाइटिंग इंडियंस इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल आइडेंटिटीज। नमस्कार।